सिरसा के नागरिक अस्पताल में गोली चलने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको, सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में गोली चली है, फायरिंग यहां पर की गई है। दो पक्षों में मामूली झगड़े के बाद हंगामा हुआ बताया जा रहा है। सिरसा से एक व्यक्ति के सर में ये गोली लग गई है। बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है, गंभीर घटना है। सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में गोली चलने की जानकारी आई है। दो पक्षों के बीच किसी मामूली कहासुनी झगड़े को लेकर लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया और ऐसा झगड़ा हुआ कि उसमें गोली चलाने की नौबत तक आन पड़ी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और इस घटना में एक व्यक्ति के सर में भी गोली लगी है। पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला है, पुलिस जांच कर रही है। वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवाड़ी हमारे साथ हैं। अमित, बताइए पूरी जानकारी। जी केशव, अगर बात करें तो सिरसा के एक बाजार में मामूली झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच, और जब वे लोग अस्पताल पहुंचे और वहां भी उनकी जो लड़ाई हुई और इसी बीच जो किसी ने गोली चला दी और जिसमें एक शख्स घायल हो गया, साथ साथ अस्पताल के दो कर्मचारियों के भी छर्रे लगे हैं। जिस शख्स के गोली सिर में लगी है उसे गंभीर हालत में हिसार रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी हमारी बातचीत पुलिस से भी होनी है कि क्या कुछ मामला रहा। सीसीटीवी जो लगा हुआ था सिविल अस्पताल में उसमें सारी घटना जो है वो कैद हो गई है, और जिसमें तस्वीरों में देख भी सकते हैं आप कि किस प्रकार से जो मामूली झगड़े के बाद इतना बड़ा जो एक कदम जो उस शख्स ने उठाया और गोली दूसरे को मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और 25 के बाद ही ज्यादा कुछ इसमें डिटेल मिल पाएगी। जी केशव, झगड़े की वजह के बारे में अभी कुछ नहीं पता लग पाया अमित, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि व्यक्ति के सर में गोली लगी है, तो हालत गंभीर है, क्या कुछ है? जी बिल्कुल केशव, मामूली झगड़ा था और झगड़ा किस बात को लेकर हुआ इसका पूरा खुलासा अभी हुआ नहीं है। पुलिस इस बारे में खुलासा करेगी, लेकिन जिस शख्स के सिर में गोली लगी है उसकी गंभीर हालत है और उसकी हालत को देखते हुए उसे हिसार रेफर कर दिया गया है। हालांकि उसकी अभी भी हालत जो है वो खतरे में बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसके बाद सारी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कुछ उन लोगों के बीच झगड़ा हुआ और आखिरकार इस गोली चलाने की नौबत क्यों आ गई। जी हम देख पा रहे हैं अमित, ये सीसीटीवी की जो तस्वीरें चल रही है अस्पताल परिसर के अंदर की, ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो सिक्योरिटी चेक वगैरह किसी तरह का नहीं होता है क्या? हथियार लाइसेंस था, अवैध था, अंदर हथियार कैसे पहुंचा? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी चेक की जहां तक बात है वहां इस प्रकार की कोई व्यवस्था सामान्य अस्पताल में नहीं है। हालांकि पहले भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रही हैं जब इस प्रकार के झगड़े होते रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं है कि ऐसे तत्वों को रोका जा सके, शरारती तत्वों पर नकेल डाली जा सके। सुरक्षा के कोई पुख्ता प्रबंध वहां नजर नहीं आते। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जरूर कुछ एक आधा खड़ा होता है, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा उसे मजबूती का सुरक्षा चक्र नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में यह एक बड़ा सवाल है प्रशासन पर भी और स्वास्थ्य विभाग पर भी, क्या व्यवस्था ऐसी रहती है, क्योंकि कर्मचारियों के भी छर्रे लगे हैं जो इस वारदात के दौरान। तो अब देखने वाली बात होगी आगे क्या अस्पताल प्रशासन इस बारे में कदम उठाता है, लेकिन फिलहाल जो यह वारदात अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए अमित, आप नजर बनाकर रखें।